आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे 10 एनिमेटेड मूवीज लेके आए हैं कि ये फिल्म्स देखकर सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि सभी उम्र के लोग उतना ही एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। Sure how to break this to you, but I'm your dad. My dad is Bigfoot? Yep. Could my life get any worse? No. The Son of Bigfoot. एडम नाम का एक लड़का जंगल में ऐसे ही एडवेंचरस सफर के लिए निकल पड़ता है और उसी जंगल में उसे 12 साल से मिसिंग उसके फादर मिल जाते हैं। मजा तो तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास उसके फादर जैसे ही मैजिकल पावर्स हैं। लेकिन क्या ये पावर्स उसके लिए वरदान है या शाप? ऐसे मैजिकल पावर्स होने के बावजूद उसके पिता इतने सालों तक जंगल में अपने फैमिली से दूर गुमनाम जिंदगी क्यों जी रहे थे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। To the magnificent city of gold, El Dorado. Road to the El Dorado. इस फिल्म में हम देखते हैं कि दो दोस्त किसी ऐसे मिस्टीरियस सिटी के खोज में निकल पड़ते हैं जो की पूरी दुनिया सोने की होती है। उस सिटी का नाम होता है एल डोराडो। अब इतना सारा सोना पाने के लिए ये दोनों दोस्त ऐसे सफर पर चल पड़ते हैं। लेकिन क्या ये दोनों ऐसी सिटी ढूंढने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। Over the Moon 2020 में आई हुई ये एक म्यूजिकल एनिमेटेड फिल्म है जिसमें हम एक एडवेंचरस लड़की देखते हैं जो बचपन से ही अपनी माँ से मून और उस पर रहने वाली मून गॉडेस की कहानी सुनकर बड़ी हुई है। लेकिन एक दिन हालात ऐसे आते हैं कि वो मून पे जाने की ठान लेती है। वहाँ जाने के लिए वो एक स्पेसशिप बनाती है और मून पे चली जाती है। लेकिन क्या सच में मून पे उसे वो देवी मिलती है या नहीं, ये तो अब इस फिल्म में ही देखने को मिलेगा। Now we're searching for a perfect place to call home. 2020 में आई हुई इस फिल्म को समझने के लिए आपको इसका फर्स्ट पार्ट जो कि 2013 में आया था वो देखना होगा। इसमें हम देखते हैं कि क्रूट फैमिली जिस दुनिया में रह रहे थे वो अब दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है, इसलिए वो अपने लिए एक नया घर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। क्या इस फैमिली को दूसरे दुनिया में नया घर मिलता है या नहीं, ये जानने के लिए द क्रूट ये फिल्म हमें देखनी होगी। इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट हिंदी में अवेलेबल है। अब हमारी अगली फिल्म जो कि एक एडवेंचरस कॉमेडी फिल्म है, इसे टोटल 5 कैटेगरी में ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था। इस फिल्म में हमें एक बूढ़े आदमी की कहानी देखने को मिलती है जो कि अपने घर के ऊपर बहुत सारे बलून्स लगाता है और जिसके वजह से उसका घर उड़ने लगता है। अब ऐसे एडवेंचरस सफर पे वो निकल पड़ता है कि उसे क्या चैलेंजेस आती है और उसका ये सफर कहाँ तक पूरा होता है, ये हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। जिनको अपने गुजरे हुए पिता के सामान से कुछ ऐसी जादुई चीजें मिलती है जिनके मदद से वो अपने मरे हुए पिता को 24 घंटे के लिए जिंदा कर पाते हैं। लेकिन ये जादू करते वक्त उनसे एक छोटी सी गलती हो जाती है। लेकिन क्या उस गलती से उसके पिता वापस आते हैं या नहीं, यह हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और कुछ बुरे लोग उनसे ये जादुई फॉर्मूला चुराने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो लोग सफल होते हैं या नहीं, ये जानने के लिए हमें ये फिल्म देखनी होगी। But I always believe that with hard work and a little luck, it's only a matter of time before I'm discovered. 2007 में आई हुई इस कॉमेडी एनिमेटेड फिल्म में हमें एक चूहे की कहानी देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में रहता है और जिसे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और रेस्टोरेंट में ऐसी कौन सी भी डिश हो जो उसे बनाने का तरीका जानता है। अब ये चूहा रेस्टोरेंट में आए हुए एक नौसिखा शेफ की मदद करता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, अगर किसी ने रेस्टोरेंट में चूहे को देख लिया तो रेस्टोरेंट ही बंद हो जाएगा। ऐसे में आगे क्या होता है ये हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फाइंडिंग नीमो 2003 के इस फिल्म ने बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में अवार्ड जीता था। ये एक एडवेंचरस एनिमेटेड फिल्म है। इसमें हम देखते हैं कि नीमो नाम का एक फिश किडनैप होता है और उसका बाप उसे कैसे ढूंढता है, इस सफर में उसे क्या चैलेंजेस आते हैं, ये हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। Do you mind? The land of the dead. Dr. Cleo,
2017 में आई हुई कोको ये फिल्म एक फैमिली एडवेंचरस फिल्म है। इस फिल्म की स्टोरी है मिगेल नाम के लड़के की। फैमिली पास जानने के चक्कर में ये लड़का ऐसी दुनिया में आकर पहुंचता है जहां पे सिर्फ मरे हुए लोग ही रहते हैं, लेकिन मुश्किल तो तब आती है जब उसे कुछ ही टाइम में वहां से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना है, वरना ये हमेशा के लिए उसी डेड लाइन में फंस जाएगा। अब वो कैसे उस दुनिया से बाहर आता है ये हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। Living really worth dying for? 2020 में आई हुई ये फिल्म हमें लाइफ के कुछ लेसन सिखाती है। इस फिल्म में हम ऐसे म्यूजिक टीचर को देखते हैं जिसे एक बड़ा म्यूजिशियन बनने का पैशन है, लेकिन जब उसे वो मौका मिलता है जिसके वजह से वो एक बड़ा म्यूजिशियन बन सके, उसी वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और वो कोमा में चला जाता है। अब उसकी आत्मा मतलब उसका सोल जीवन और मृत्यु के बीच में फंस जाती है। अब ऐसे में उसकी सोल मतलब उसकी आत्मा उसके साथ क्या क्या होता है ये हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एनिमेटेड फिल्म्स की लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।